नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में। बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ITI की जो परीक्षा होनी है उससे संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो यह वीडियो जो बच्चे ITI कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना और इसमें क्या मैंने बताया है उसे बहुत ध्यान से समझना। तो जो एग्ज़ाम्स हैं उससे रिलेटेड बच्चों में बहुत सी भ्रांतियाँ थी कि पेपर होंगे कि नहीं होंगे या होंगे तो कब से होंगे। तो उससे रिलेटेड एक न्यूज़ निकली हुई है पेपर में, वो न्यूज़ क्या है मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। केंद्रीय गृह मंत्रालय तय करेगा ITI खुलेगी कि नहीं, मतलब ITI के रीओपन होने का जो अब कंट्रोलिंग करेगा वो होम मिनिस्ट्री करेगा, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री करेगा। और न्यूज़ क्या है, देश के सभी 15,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को खोलने का फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय करेगा। केंद्रीय कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय ने ITI खोलने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। यदि गृह मंत्रालय 1 अगस्त को अनलॉक 3 संबंधी दिशा निर्देशों में इन्हें खोलने की अनुमति देता है तो पहले 4 हफ्ते की अनिवार्य प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, उसके बाद फाइनल परीक्षा की तारीख आएगी। केंद्रीय कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक COVID-19 के चलते मार्च से ही देश के अधिकतर ITI परिसरों को कोरोना आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया गया था। अब अधिकतर ITI कैंपस से आइसोलेशन सेंटर को हटा दिया गया है। इसके बाद मंत्रालय ने ITI के अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा को लेकर तैयारी शुरू की है। ITI में फाइनल ईयर छात्रों की ऑनलाइन क्लास जारी है। हालाँकि प्रैक्टिकल के बिना परीक्षा रिजल्ट नहीं निकाले जा सकते। मार्च में अचानक लॉकडाउन के कारण प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बीच में छूट गई थी, इसलिए ट्रेनिंग पूरी होने के बाद परीक्षा की डेटशीट तैयार होगी। मतलब 1 अगस्त को जो आपका मंत्रालय है, जो उद्यमिता मंत्रालय है, वो गृह मंत्रालय को पत्र लिख करके एक परमिशन लेगा कि ITI खुलनी है कि नहीं खुलनी है। और यदि ITI खुलनी है, जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके अकॉर्डिंग 4 हफ्ते पहले आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग दी जाएगी। और उसके बाद से ही 4 हफ्ते मतलब 1 महीने आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ही आपके एग्ज़ाम्स की डेट शीट आएगी। मतलब अगर 1 अगस्त से कॉलेज खुलता है तो सितंबर में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। और ये जो बात लिखी गई है वो ITI के अंतिम वर्ष के छात्रों के, मतलब सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए कही गई है। और मेरे ख्याल से जो 1 साल की जो ट्रेड है उनके लिए भी लागू होना चाहिए। तो और जो 2 साल के ITI ट्रेड है उनके फर्स्ट ईयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाते रहते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आए आप तक वो इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुँच जाए। धन्यवाद।